वल्लभ महाविद्यालय मंडी में 70वां वार्षिक पारितोषित वितरण समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वल्लभ महाविद्यालय का अपना इतिहास है और इस महाविद्यालय से बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सरकार के महत्वपूर्ण पदों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे गर्व की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसी महाविद्यालय से पढ़कर गए हैं और वर्तमान में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय तथा स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेटों के साथ साथ बेटियों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना और इस महाविद्यालय की हर आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ी में हेलीपैड का निर्माण किया गया है और 18 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम भवन निर्माण का कार्य जारी है। कांगड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से एक बड़े होटल का निर्माण भी किया जाएगा तथा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हेलीपैड के आसपास के क्षेत्र को विकसित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी शहर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए पौराणिक मंदिरों के सौंदर्यकरण के साथ साथ शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान के तहत शीघ्र ही शहर के सौंदर्यकरण का काम भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन व ऑडिटोरियम तथा क्लस्टर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। वार्षिक पारितोषण वितरण समारोह में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अनिल शर्मा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को ऐच्छिक निधि से 21,000 रुपए देने की घोषणा भी की। आज एक सबसे बड़ा प्रश्न शिक्षा का है, तो हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर जो शिक्षा का स्तर, और खासकर मैं देखता हूँ जब इस कॉलेज में आता हूँ तो बेटियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हमारी बेटियां बहुत आगे पढ़ाई की तरफ आगे उनका रुझान है, आगे बढ़ रही है, तो लगातार ये हमारे प्रदेश की प्रदेश का भाग्य है जहां माता पिता हमारे अभिभावक बच्चों बेटियों की तरफ भी इतना ध्यान रखा है कि शिक्षा में उनका पीछे न जाए। आगे लड़ाई आपकी है बच्चों, क्योंकि ऊंचाई हासिल करना वो आप पे निर्भर करेगा, आप निर्भर करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। और इसमें सिफारिश की बात नहीं, यहां मेहनत की बात आती है और हमें अंतक मैं कह सकता हूं मुख्यमंत्री मिले हैं और कई बार हम इस बात करते हैं कि पिछली कैबिनेट और इस कैबिनेट में क्या फर्क है। उस कैबिनेट में मैं था मंत्री तो मैं कह सकता हूं उस वक्त हम कई बार चर्चाएं नहीं करते थे और हम चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, सरकार क्या निर्णय लेती है उसका हम प्रयास करते हैं। यही मैं इसलिए आता हूं कि भाषण तो हम आपको बहुत देते हैं, मैं जानता हूं बच्चे भाषण पसंद नहीं करते क्योंकि कार्यक्रम पसंद करते हैं। हमारे कॉलेज में क्या होना चाहिए, सरकार क्योंकि एक नई पीढ़ी नई आप पीढ़ी जो नई लोग आप आज मैं देखता हूं कई बार बात करते हैं कि हम समय था तो मोबाइल ये चीजें कहां हुआ करते थे, आज आप लोग तो है हर तरह से संसार से जुड़े हैं, हर तरह के ज्ञान आपके हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं किस बदली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ये नहीं कह सकता हूं कि आज ये सुविधाएं हैं तो उन सुविधाओं के साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और इसके लिए मैं अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि आप लोगों का प्रयास और हमारे जो अध्यापक हैं उनका प्रयास है कि हमारे बच्चे बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, और वही कामना हमारे अध्यापक भी करते होंगे कि हमारे बच्चे जो हैं यहां से आगे जाए। इन संपर्क के साथ मैं खासकर राजीव जी का भी आभारी हूँ, क्योंकि भाषण देने का मुझे मैं घंटा पावर सेक्टर में बोल जाऊँ, परंतु अच्छा भी वो सब्जेक्ट आएगा परंतु मैं इसमें भी चर्चा करूंगा क्योंकि गांधी जी ने टाइम लिया आज यहाँ पर हमारे इस मुखी कॉलेज जिन्होंने तो ले लिया वासर, क्योंकि पिछली सरकार में वासर ले लिया था,
क्योंकि हमारा कंबाइंड कॉलेज था पहले भी, बल का और सदर का हमारा कंबाइंड कॉलेज था। तो पिछली सरकार में जब उन्होंने वहां लिए तो मुझे खुद लगा देना का कोठी में मिल गया था मुझके मेरे ऊपर भी, और खासकर इस कॉलेज के ऊपर है, खासकर तो है। इसे चिंता के बाद भी जो होगा अच्छा होगा आपके लिए, जिन बच्चों के साथ पढ़ाई किए हैं उनको पढ़ाई मिलता है, और जो पीछे रह गए हैं नंबर दो या नंबर तीन में, और खासकर चिंता नंबर वन वालों की होती है कि हमारे पीछे जो है कहीं नंबर वन में ना आ जाए, इसलिए चिंता होने की होती है इस बात की। मेहनत करें क्योंकि आपके पीछे लाइन लगी है, कहीं आपने भूल चुकी तो नंबर वन में कोई और आ जाएगा। मेहनत करते रहें और हम आगे मिलते रहेंगे।